पास पहुंच गए, अभी जा रहे हैं कराची। इंशाल्लाह जैसे पहुंचते हैं तो अपडेट देते रहेंगे। अभी पहुंच गए अभी बाईपास पे, हवा तेज़ है इसलिए आवाज़ सही नहीं आ रही, कोशिश करेंगे कि आवाज़ सही आ जाए। One hour later. चल बेटा जल्दी आ जा। यार पैसे नहीं निकले हमारे, मेरा जो अकाउंट है वो HBL का, यहाँ पर है UBL का, तो पैसे नहीं निकल रहे। जाते हैं अभी HBL का ढूंढते हैं, यहाँ पर किसी ने भी दिया। तो पार कर गया, मैं तो अकेला रह गया। फाइनली यार हमें इंटर हो चुके हैं मेहरान होटल में, यहाँ पे ATM मिल गया, तो देखते हैं यहाँ पे ये ATM जाती है, इसके अंदर पैसे निकाल दिए अपने, बड़ा भारी है ना। कहते हैं से निकल जा भाई, इंग्लिश शुक्र है यार निकल गए कि मेरे कार्ड आ जा भाई पैसे। और फिर थैंक यू सो मच। हम कैसे हो गए तुम्हारा मैसेज लो, हमारा चाय का फ्रेंड था, मैं सर दे दिया। हां यार चलो हो गया, ये ले ले इसको पकड़ो। ये भाई अभी भाई आपका काम तो हो नहीं पाया, अभी फ्रिया निकला है काम तो आगे पे पीछे देख ठोक न दे सर। इसकी बिरयानी बहुत मशहूर है, अभी भाई खिलाएंगे हम इसकी बिरयानी इसके पास जाते हैं, क्योंकि शोएब खाता है मसाले ज़्यादा, तो ये बेहतरीन मसाले वाली और बहुत मकबूल बिरयानी, देखते हैं क्या होता है। भाई शुक्रिया आपका, मसाला डबल किया ना भाई आपने, और बढ़िया यार शुक्रिया आपका। ये भाई नवीद भाई की बिरयानी जो कि भाई ने हमारे लिए खास कर लाई है, यहाँ पे मस्त आप लोग विजिट करें। अभी चेक करते हैं बिरयानी का भी कैसा बना हुआ है। कैसे नवीद भाई आपको कैसे लगे, क्योंकि आपने कहा था कि मुझे तो मसाले वाली चाहिए, हाँ ना आपने कहा मसाले वाली चाहिए, कैसे लगा? बहुत अच्छे हैं, टेस्ट भी अच्छा है, मसाला भी सही है। नेक्स्ट डे अभी हम मौजूद हैं गुलशन इकबाल में, हमने रात स्टे कर लिया यहाँ पर, अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल जिस काम के लिए आए थे, नवीद भाई का मेडिकल था उसके लिए हम जा रहे हैं दोबारा। नवीद भाई भी आ रहे हैं, ये कराची गुलशन इकबाल जी। नवीद आज हम जा रहे हैं क्योंकि कल हमारे टेस्ट नहीं हुए थे मेडिकल के, तो इसलिए आज जाएंगे टेस्ट वगैरह करवाएंगे। तो नवीद भाई अभी सीधा हम जाएंगे हॉस्पिटल, अब मेरे ख्याल से नाश्ता कर लेते हैं, मुझे तो वैसे डॉक्टर ने मना किया था कि नाश्ता नहीं करना, मैं भी नहीं करूँगा, साथ में करेंगे ना, साथ में कर लेंगे बाद में, आप चाय पी लो मेरे ख्याल से, जैसे आपका टेस्ट हो जाए खत्म हो जाए फिर हम दोनों साथ में नाश्ता करेंगे। ठीक है ठीक है, सुबह का मंजर माशाल्लाह। चलो भाई कौन सी जगह? ये है गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 कायदे आजम कॉलोनी। चलो भाई सब से आ गए जी। नवीद साहब फाइनली हो गया आपका काम? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे टेस्ट वगैरह हो गए, क्लियर हो गए, अभी जा रहे हैं इंशाल्लाह घर की तरफ, और शुक्र है इंशाल्लाह होपफुली रिपोर्ट्स वगैरह अच्छी आएंगी। जी हाँ, क्योंकि कल का जो दिन था हमारा डेली डिक्लेरेशन हो गया था, नवीद भाई के टेस्ट आज हम दोबारा आ गए अगेन, आज अल्हम्दुलिल्लाह नवीद भाई के जुर्म टेस्ट कम्प्लीट सारे हो चुके हैं, शुक्र है। कल ऐसा था कि स्टाफ इनका नहीं था, तो उन्होंने कहा था कि कल आ जाए, आज हम सुबह सवेरे आ गए, आधा घंटा वेट करना पड़ा, क्या बात है। ठीक है चलते, लिफ्ट भी आ रही है, जल्दी आ जाओ भाई, लगा दिया मैंने इसको। After 30 minutes.
तो नाजरीन फाइनली हम पहुंच गए पीएफ म्यूजियम। कैसे पहुंचे ये आपको नवीद भाई बताएंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए। बस एक किस्मत होती है, मेरी किस्मत भी अच्छी थी और दूसरा ये कि मैंने खून का अतिया दिया था ना, टेस्ट वगैरह मेरे काफ़ी ब्लड के हुए थे, तो इसलिए हम आ गए। आज सेकंड हमारी अटेम्प्ट है, पहली बार हमें नहीं छोड़ा गया विदाउट फैमिली। आज हम किसी फैमिली के पीछे आए और अंदर आ गए, तो शुक्र है अभी अल्लाह करे कोई पकड़े। ये बहुत सीक्रेट बातें होती है, कुछ शेयर नहीं करनी चाहिए। हम आए कैसे, हम विदाउट फैमिली आ गए, एंटर हो गए। कल भी हम गए थे सिंधबाद, तो वहाँ पर भी विदाउट फैमिली अलाउ नहीं है, तो हम गए तो वहाँ पर भी हमें नहीं छोड़ा गया। जैसे पिछली बार पीएफ में नहीं छोड़ा गया, वहाँ पर भी हम गए ऐसे ही हमें भेज दिया गया। तो आज शुक्र है किसी ने किस तरह मैनेज करके अंदर आ गए। अभी अभी आप लोगों को दिखाएंगे हम झूले यहाँ के, मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट टाइप के राइड्स वो भी लेंगे सारे। अभी हम फिलहाल हमने लिए यहाँ पर सैंडविच, दो स्टिंग्स। जी नवीद साहब, ये देखिए भाई हम इसको यहाँ ढूंढ रहे हैं पीछे नवीद के, कहाँ नवीद कहाँ जुड़ रहे हैं। अच्छा धुबी का अभी अभी चल रहा है फोटोशॉट नवीद के। जैसे ये पीएफ में एंटर होंगे तो आपके बिल्कुल फ्रंट पे एक चीज़ बनी होगी, लेट डाउन देयर लाइव्स इन डिफेंस ऑफ देयर मदरलैंड, यानी कि उनके निशानी के लिए जिन्होंने अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान की। इसमें हमारे आर्मी की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो आर्मी माशाल्लाह हमारा डिफेंस करती है हमारे बॉर्डरों पे जहाँ भी, इसलिए पाक आर्मी जिंदाबाद। शोएब की हालत देखो, मैंने इसको अपनी एक अहम कीमती चीज़ दी, जो मेरे रिपोर्ट्स वगैरह आनी थी, जो मेरे पास रसीदें थी, उसने वो क्या किया आज देखा था आपको, ये इसने डस्टबिन में फेंक दिया। मैंने इसको पकड़ने के लिए दी थी और इसने फेंक दी। अरे देखिए नवीद भाई, जगह नहीं थी हमारे पास कार रखने की। शुक्र है मुझे पता चल गया, याद आ गई चीज़ें यहाँ, तो तुम मैं पता नहीं कैसे भूल गया था। मैं गया था डस्टबिन वो चीज़ें रखने के लिए वहाँ पे डस्टबिन में, ये भी रख दिया मैंने क्योंकि वीडियो है मेरे पास, मैं वीडियो रिपीट कर दूंगा। क्योंकि जो है ना रसीदें हैं, जो मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी वो ये इन्हीं के बयाफ पे आएंगी, तो इसीलिए क्या ये है भाई सब पीएफ में जितनी भी चीज़ें उनकी फोटो यहाँ पर लगी हुई है, ये देख सकते हैं। देख एयर क्राफ्ट एडमिन ब्लॉक वर्क इन प्रोग्रेस कैसे बनी किस, वंडरफुल चीज़ें भाई इन्होंने बनाई यहाँ पर माशाल्लाह। ये भी आप देख सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की, वंडरफुल। ये भाई पीएफ म्यूजियम के अंदर वैसा जहाँ पे एयरक्राफ्ट वगैरह सब चीज़ें लगी हुई हैं। और कायदे आजम जीशान क्या कर रहे हैं आप, पायलट ड्रेस पायलट जीशान मिलेगा, जीशान भाई जीशान है। और ये उनकी वॉचेज हैं जो शहीद हो गए इस मदरलैंड के लिए, और अभी तक इनकी जो वॉचेज हैं वो चल रही है। ये वाली सबसे ये वाली सबसे सर आप कौन सी लेंगे इनमें से, ये वाला सबसे सही वाला पैसे पैसे नहीं मुक्ते है बेटा, हुआ ना हमारा दोस्त अबू नंदन भाई। नवीद भाई की फरमाइश आई है कि उस साइड पे वहाँ पे नाम क्या नाम मरियम मुफ्ता जो पायलट थी, अच्छा 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 उसने क्या किया था दौरान ट्रेनिंग 2016 में आई थी ये, तो यही है हाँ यही वाली ये वाली ना। गाइस आप सोच रहे हो ये कौन है, लेकिन इसके बारे में आपको बताएंगे हमारे दोस्त नवीद अमीन साहब। जी नवीद साहब, ये भाई मरियम मुफ्ती थी जो 2016 में पायलट की तहत वो तरबियत लेते हुए शहीद हुए, उसका जो एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हो गया था मियांवाली में, ये क्रैश हो गई थी। उस टाइम में पंजाबी में था, वहीं पर पढ़ रहा था। ये इनकी एक है, ये इसकी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म ड्रेस ऑफ मरियम मुफ्ती, और ये उसके खिलौने जब छोटी थी सब चीज़ें रखी यहाँ पर, जैकेट इनका रखा हुआ है, खिलौने। अच्छा ये भी खेलती थी ना, ये भी है क्या इसको पता नहीं कितना क्या बताए पजल टाइप का बताया। देखें यहाँ पे पहले इसकी घड़ी रखी होती थी, अब घड़ी नजर नहीं है, चाय पीती थी। ग्रेजुएट सर में। अच्छा माशाल्लाह भाई, सलाम है आपको। हम आए इसके लिए भाई चिल्ली पा, यहाँ पे भी राइड लिया था बहुत मज़े वाला, इतने शोर किए मैंने, इतनी आवाज़ें निकाली। ये बहुत अच्छा वाला एक वो कश्ती भी सही है। नहीं भाई कश्ती में मेरी एक एक्सपीरियंस रहा है, पिछली बार जैसे मैं आया था ना तो बस वो मेरी कश्ती फर्स्ट राइड थी और लास्ट राइड, उसके बाद जिंदगी में। नवीद भाई पिछले साल हम आए थे यहाँ पर, नवीद भाई ने राइड लिया था कश्ती वाला है, देख रहे हैं आप नवीद भाई की भी उल्टी निकल गई, बेहोश होने होते होते बच गए, लेकिन अभी हम दोबारा जाएंगे वहाँ पर इंशाल्लाह। ये था अभी पीएफ म्यूजियम, जितना हमसे हो सका हमने एक्सप्लोर किया इसको। झूले बंद हैं, हम आए थे जिसके लिए झूले सारे बंद हैं। झूले कब करेंगे नवीद, चार बजे हमने किसी को कहा पूछा ऐसे, वो कह रहे हैं कि
चार बजे झूले जो हैं खुल जाएंगे, यानी कि चार बजे हमारे पास टाइम है नहीं, शॉर्टेज ऑफ टाइम, वी आर गोइंग बैक टू होम, क्योंकि हमें ट्यूशन भी जाना है कल भी। जी भाई, ट्यूशन भी ज्वाइन करने लड़के को मुझे भी, इसलिए बस राइड नहीं ले सकते, जितना हो सका इसको कर लिया अभी हमने, अभी हम जा रहे हैं वापस बैक, इंशाल्लाह एक दिन और आएंगे फिर सारे राइड लेंगे आएंगे। ये भी आइसक्रीम है, वो देखो क्या है, जेली फिश,